हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको ये वन पीस बनाना बताएंगे। आप देख सकते हैं वेयर करने पर इसका लुक कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसको ट्राइंगल शेप में कुछ इस टाइप से फोल्ड करेंगे, जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं तब इसको फोल्ड करते हैं। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया। कमर की मार्किंग मैंने कॉर्नर से 11 इंच ली हुई है। लेंथ मेजर करेंगे तो इसके लिए मैंने कॉर्नर से ये मैं 35 लिया हुआ है, उस पर मैंने राउंड में मार्क कर लिया है। हमारी कमर की और लेंथ की मेजरमेंट हो चुकी है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। हमारी कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। ये हमारे लोअर पार्ट की कटिंग है। हम जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है, घेर काटने के बाद जो नीचे से बचा हुआ कपड़ा है, उससे हम अपर पार्ट चोली बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा मीटर अस्तर लिया हुआ है। इसको इस टाइप से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, अच्छे से इसको जमा लिया है। इसके बाद जो बंद वाला पार्ट है, बंद वाले तरफ से हम नेक की मार्किंग करेंगे। मैं 3 पर मैंने मार्किंग की है नेक की, और इसकी डेप्थ मैंने 5 इंच रखी है। शोल्डर को मैंने 6 पर मार्क किया है, और ये आर्म होल की डेप्थ मैंने 6.5 रखी हुई है। हम इसको मार्क कर लेंगे। ये जो इसका नेक मैंने मार्क किया है, नॉर्मली नेक की मार्किंग है, लेकिन इसके लिए हम 1 इंच और ज़्यादा मार्क करेंगे। मीन्स हम इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच लेंगे। इस टाइप से मैंने 4 पर मार्क कर दिया है, और इसको हम नीचे मिला देंगे। डेप्थ इसकी 5 इंच है। हम इसको शेप दे देंगे। जो नेक का शेप देंगे वो हम इस टाइप से देंगे ये, और अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे। हम कमर की मार्किंग करेंगे। आर्म होल से 6 इंच नीचे हम 1 इंच कम लेंगे। 10 पर मार्क था तो ये हम 9 पर मार्क करके इस टाइप से इसको मिला देंगे, और हम इसको कट कर लेंगे। हम लेंथ लेंगे, ये मैंने 15 इंच रखी हुई है इसकी लेंथ, और इसको कट कर देंगे नीचे से। ये हमारी चोली की लेंथ है, वो 15 इंच है। सारी मार्किंग हो गई है, हम कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट नेक का को कट करेंगे इस टाइप से, क्योंकि अभी हमने बैक नेक की मार्किंग नहीं की है। वो हम इस टाइप से पार्ट अलग कर लेंगे पहले, और अब हम बैक नेक को 1 इंच और नीचे मार्क करेंगे इस टाइप से, और ये हमने इसकी कटिंग करेंगे। हमने एक पार्ट अलग कर दिया है इसका, अब हम बीच में इसमें कट कर देंगे। ये बैक पार्ट है, इसमें जिप अटैच करेंगे हम, इसलिए इसके बीच में एक कट कर देंगे। हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं। घेर काटने के बाद जो नीचे का हिस्सा बचा हुआ था हमारे फैब्रिक का, हम उसे लेंगे, उस पर चोली का पार्ट कुछ इस टाइप से जमाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। ये मेरा डबल फोल्ड में रखा हुआ था फैब्रिक, तो 2 कपड़े निकले हैं इस साइज के। तो हम पहले कपड़े को इस टाइप से रखेंगे, और इसके ऊपर कटा हुआ चोली का पार्ट रखेंगे, और इसके नेक और आर्म होल पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस टाइप से हम सिलाई लगा लेंगे। सेम यही प्रोसेस हम बैक पार्ट में करेंगे। बैक पार्ट में हमारे 2 पार्ट हैं, उनको भी हम आर्म होल और नेक और साइड में सिलाई लगाएंगे। चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फ्रंट पार्ट बना लिया है। इसको मैंने सिलाई करके और उसको एक्स्ट्रा कपड़ा काट के छोटी छोटी कट लगा के परत लिया है इस टाइप से। आ गया, हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे। हम यहाँ से 4 इंच पर एक मार्क करेंगे, और 4 इंच इसको ऊपर भी मार्क कर देंगे इस टाइप से। दोनों साइड हम कर लेंगे ये इस टाइप पे। अब हम यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा उठाकर इस पर सिलाई लगा लेंगे। मैंने बैक पार्ट में लगा लिया है, बताती हूँ। ये मैंने इस टाइप से सिलाई लगा ली है, और ऐसे ही हम अपने इस पार्ट में लगा लेंगे, और इनकी शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। ये मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं, और दोनों साइड वो फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें जो हमारा घेर हमने काटा था उसको ज्वाइन करेंगे इस टाइप से। हम इसकी कमर को इसमें ज्वाइन करेंगे। अगर कुछ प्लेट्स आती हैं, लगभग 1 या 2 प्लेट्स आएंगी, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जाता है, तो हम हल्की सी 2 प्लेट्स इसमें इक्वली डिवाइड करके इसको बीच में ऐसे लगा देंगे। ये हमारा कमर है घेर की, इसको हम इसमें इस टाइप से ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा हमारा बड़ा
हो रहा है तो इसमें हल्की सी हम प्लेट्स दे देंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे। इसमें इस टाइप से हमारा बैक पार्ट है मैं अटैच कर लिया है मैंने, ये देखिए कि मैंने इसको दोनों साइड अटैच कर लिया है। हमारा कपड़ा थोड़ा पतला है, अगर आपका थिक हो तो आपको अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कोई भी आधा मीटर एक मीटर कपड़ा लेके उसको इस टाइप से छोटी छोटी प्लेट से इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये अस्तर लगाना बहुत ईजी होता है तो मैं ज्वाइन कर लूँगी इस टाइप से। और अब मैं अस्तर लगाने के बाद इसको दोनों साइड से ज्वाइन कर दूँगी, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ आर्म होल तक। ये मैंने ज्वाइन कर लिया है, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी है। देखिए इस टाइप से अस्तर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है और नीचे ड्रेस को भी फोल्ड कर दिया है। इस टाइप से आप पीको कर सकते हैं या फोल्ड भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें स्लीव लगाऊंगी। ये हमारा हम ऐसी भी वेयर कर सकते हैं ड्रेस को। और इसके लिए मैंने आधा मीटर नेट लिया हुआ है, कोई भी आप नेट फैब्रिक ले सकें या जॉर्जेट, जो भी आपको सही लगे स्लीव में। अदर कंट्रास्ट कलर भी यूज कर सकते हैं आप। इस टाइप को मैं इसको फोर फोल्ड करूँगी पहले इस टाइप से। और हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम इन दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे क्योंकि हम दो स्लीव दोनों साइड की लगानी है। तो इस टाइप से मैं इनको अलग कर लिया है। ये देखिए लंबाई में लगभग आधा मीटर कपड़ा है, इसको मैंने फोर फोल्ड कर लिया है। और ये इस टाइप से हम जमा लेंगे। इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो डबल फोल्ड में 22 है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है। आप थोड़ी छोटी बड़ी भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो हमें स्लीव का सेप रहता है हमारा, हमें उसके हिसाब से देना है। बिल्कुल आर्म होल के जस्ट अब यहाँ पर हमें बस थोड़ा सा सेप दे देना है इस टाइप से स्लीव का। पूरी स्लीव में जो सेप देते हैं वैसा नहीं देना है, लास्ट में बस हमें स्लीव कट का सेप देना है इस टाइप से। ये हमने स्लीव कट कर ली है, बहुत ही इजी है ये स्लीव लगाना। सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे जिससे हमें पता रहे कि हमारा सेंटर है। ये देखिए हमारी ये एक स्लीव है। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें लूज स्टिच करके छोटी छोटी सी फ्रिल लगा लेंगे। ये मैंने लूज स्टिच लगा ली है, जो बड़े टांके वाली सिलाई लगाते हैं वो लगा के, और एक धागा हम खींचेंगे तो इस टाइप से छोटी छोटी सी फ्रिल बन जाती है। तो ये मैं ने दोनों साइड स्लीव में लगा ली है। और ये हम सेंटर पे एक मार्क कर देंगे जिससे हमारी स्लीव इक्वली आए। और इसको हम यहीं से अटैच करना चालू करेंगे। ये जो हमारी स्लीव है उसके ऊपर से हम इसको अटैच कर देंगे। इसी टाइप की प्लेट्स को स्लीव के ऊपर ही हम अटैच करते चले जाएंगे। मैं इसको टच पिन से पहले जॉइंट कर देती हूँ। इस टाइप से हम पूरा इसमें अटैच कर लेंगे नीचे तक। ये हमें ऊपर से ही अटैच करनी है, आप चाहे तो नीचे से भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से इसका लुक अच्छा आ रहा है इसलिए मैंने ऊपर से की हुई है। ये देखिए मैंने देखना दूसरी साइड ये अटैच कर लिया है। हमें इस टाइप से रख के और बस सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस टाइप इस साइड भी हम इसी टाइप से इसको अटैच कर लेंगे। अब हमें जो लास्ट है स्लीव का लास्ट पॉइंट है वहाँ पर एक हमें पर अपना नाप लेके, जो भी हमारी नाप है उसके अकॉर्डिंग एक हम पट्टी लेंगे इस टाइप से। इसको हम इस साइड से इस टाइप से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली है, अब इसको हम पलट लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर रख के हमें ईजिली इस पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर एक हमें सिलाई लगा देनी है इस टाइप से। आप चाहें तो ये जो स्ट्रिप मैंने लगाई है थोड़ी सी पतली या फिर मोटी भी ले सकते हैं। और इसको हमें पूरी लास्ट तक अटैच करना है क्योंकि हमारी जो ये स्ट्रिप हमने काटी है हमारी बिल्कुल नाप की कटी हुई है। इस टाइप से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो मैं इसको अटैच कर लेती हूँ और साइड से जोड़ दूँगी तो हमारी स्लीव का लुक कुछ इस टाइप से आएगा। ये देखिए मैंने दोनों स्लीव अटैच कर ली है। इसमें हमारी ड्रेस रेडी है बनके। देखिए अब मैं इसको आपको वेयर करके देखिए फ्रेंड्स, इसका लुक कुछ इस टाइप से आएगा।
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।